मॉर्निंग सुप्रभात, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखिए, लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी ने जोर शोर से इसकी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने इस बार 51% वोट हासिल करने का अपना लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेता 400 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं और इसके लिए पार्टी कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में रामलीला की स्थापना करना हो, उसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी। लेकिन बीजेपी इतने पर भी ठहरने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में बीजेपी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के नाम पर एक्शन लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। ईडी ऑफिस, जोनल ऑफिस है पटना में और यहाँ लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। बदले की भावना से ये सब कार्रवाई हो रहा है। ये टॉर्चर करने की जो कोशिश है उस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ। यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। अगर वैसे जीत नहीं सकते जनतंत्र से तो दबाव बना करके और डरा करके जीतेंगे, सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? अंधेर है, अंधेर मतलब अंधेर है, मगर सत्ता जो है ना ये अस्थाई नहीं है। ये संयोग है या प्रयोग पता नहीं, मगर बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान के सत्ताहीन होने के 24 घंटे बीतते बीतते लालटेन छाप पार्टी के तमाम बड़े नेता ईडी दफ्तर के बाहर बैठे थे, क्योंकि अंदर उनके सबसे बड़े नेता ईडी के अफसरों के चुभते हुए सवालों का सामना कर रहे थे। रेल मंत्री रहते जमीन लेकर नौकरी देने के इल्जाम पर सफाई पेश हो रही थी। 11 बजे से अब तक 6:30 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईडी जवाब जो दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थकों की संख्या उतनी ज्यादा आपको यहां दिखाई देगी और धीरे धीरे ये समर्थक बढ़ रहे हैं। समर्थकों के अलावा वही चेहरे जो सुबह 11:30 बजे से यहां पर बैठे हुए हैं और चूंकि अब रात हो गई है लेकिन ये इसी तरीके से यहां डटे हुए। ईडी और CBI जो है साजिश के तहत बूढ़े आदमी को जो उम्र के एक लंबे पड़ाव पर उनको तंग और तबाह किया जा रहा है। हम लोग के भगवान है लालू यादव और उनके लिए हम लोग कब कितना दिन भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। जब तक हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग आराम से उनको ले जाएंगे और 10 नंबर फ्लैट पर हम लोग उनको घर पर पहुँचा के उसके बाद हम लोग चयन होंगे। 75 बरस के लालू यादव से पूछताछ से परेशान RJD के नेताओं की पूरी फौज जमा थी। पटना की सर्द शाम में सियासत उबल रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट से पहले खेल अब शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ईडी एक्शन में है, CAA की बारी है, UCC की भी तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और CAA को लेकर बीजेपी सरकार किस तरह एक्टिव है, क्यों इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो ईडी एक्शन की नई कड़ी है, जो उस पटना से आई जहां अभी अभी इंडिया अलायंस में बिखरा हुआ। मोदी विरोध के झंडा बरदार बने लालू यादव पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? ये तिल मिलाहट यूं ही नहीं, इसकी वजह है वो ईडी जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ। अपने बुजुर्ग पिता के बचाव में मीसा भारती दिन भर ईडी दफ्तर पर डटी रही तो दूसरी बेटियां सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखी। शाब्दिक बाणों की बौछार करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ CBI और ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गिदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
पटना से 5000 किलोमीटर दूर बैठकर रोहिणी अक्सर पिता, परिवार और पार्टी के लिए आवाज उठाती रही। पटना में मौजूद लालू यादव के तमाम करीबी नेता बीजेपी पर हमलावर। इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जा रहा है और केंद्र सरकार बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये उनकी नीति रही है। और जो भी विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कल सरकार में बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाती है बिहार में, और आज हमारे नेता को तंग किया जा रहा है। क्या आप लोगों को इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल कभी डरती नहीं है, मजबूती के साथ चीजों को संघर्ष कर कर करके अब विजय प्राप्त करती है। आपको इसे टॉर्चर ही कहेंगे ना, जो व्यक्ति किडनी बदलवा जिनका बदला गया हो और उनको अभी उतना देर बैठना भी नहीं है और उसको आप कर, मतलब इस तरह से 8-8 घंटा 9-9 घंटा से बैठाए हुए हैं, काफी है, ये छोटा टॉर्चर नहीं हुआ। बदतर स्थिति है। नहीं तो आप मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था, यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। तो देर है अंधेर, मतलब अंधेर है समझा के नहीं, मगर सत्ता जो है ना यह स्थायी नहीं है। आरजेडी नेताओं की नाराजगी अति पर है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने के लिए तैयार बैठी है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। अब जरा समझिए कि जिस लैंड फॉर जॉब के चक्रव्यूह में लालू यादव खड़े हैं वो तो पूरा मामला है क्या। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच रेलवे में घूस लेकर नौकरी देने का इल्जाम लगा। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, जिसके बदले नौकरी पाने वालों ने जमीन। आरोप है कि राबड़ी देवी और बेटियों के नाम पर भी जमीन ली गई। लालू प्रसाद यादव 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं ईडी ऑफिस से। सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हुई थी और 9 बजे यहां से निकल रहे हैं और ये आपको समर्थक की आवाज नजर आ रही होगी। तस्वीर लालू प्रसाद यादव जिनसे पूछताछ हो रही थी और भीड़ आपको मैं दिखा दूं, भारी संख्या में यहां समर्थक पहुंचे हुए हैं जो जब से लालू यादव से पूछताछ शुरू हुआ है तभी से यहां खड़े थे। ईडी के सवालों का सामना पहली बार लालू प्रसाद यादव ने पटना में किया है, वो भी फिजिकली प्रेजेंट होकर, और कई बातें कही गई कि लालू प्रसाद यादव बीमार है, लेकिन ये आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। गाड़ी में बैठते हुए लालू प्रसाद यादव आपको नजर आएंगे। पिछले 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लालू प्रसाद यादव का ईडी से सामना हो रहा था, कई तरह के सवालात जो उनसे किए गए और ये आपको तस्वीर भारी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद यादव आपको नजर आएंगे टोपी पहने हुए और धीरे धीरे करके अब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। 2021 से जांच एजेंसियां लैंड फॉर जॉब स्कैम वाली फाइल को खंगाल रही हैं। लालू यादव की बेटी कहती है कि ये चुनाव के वक्त विरोधियों को डराने की कोशिश भर है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे, वो हमारे साथ किए कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। ये इल्जाम इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी वाली फाइल सिर्फ लालू यादव की ही नहीं खुली बल्कि पड़ोसी सूबे के सूबेदार भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का इल्जाम है। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सुबह सुबह ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची थी। ईडी के अफसरों को हेमंत सोरेन नहीं मिले। दोपहर खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री दफ्तर से ईडी अफसर को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें बताया गया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। ईडी के अफसर कागजात समेट कर हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से निकल गए। ये 10वीं बार था जब ईडी ने समन भेजा था हेमंत सोरेन को। बीजेपी कहती है कि हेमंत सोरेन भगोड़े जैसे हो चुके हैं। मोदी विरोधी नेताओं का इल्जाम है कि जानबूझकर इंडिया अलायंस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कल सरकार बनी भाजपा की, आज लालू जी को समन कर लिया। जिस तरीके से एक बड़े आदिवासी नेता को, जो अभी तक इकलौता मुख्यमंत्री था, कोशिश हो रही है कि
न रहे आदिवासी परिवार का, वो भी सोरेन साहब का बड़ा परिवार, तो ये भाजपा दुरुपयोग करती है। असल में ईडी के रडार पर सिर्फ सोरेन नहीं है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। उन्हें भी बार बार समन भेजा जा रहा है। उधर ममता बनर्जी का इल्जाम है कि बीजेपी के लोग फोन पर ईडी सीबीआई को भेजने की धमकी दे रहे हैं। जाहिर है जांच एजेंसियां जिस तरह एक्शन में हैं, उसे मोदी विरोधी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। लेकिन सिर्फ ईडी एक्शन में नहीं है, सीएए और यूसीसी की पूरी और पक्की तैयारी कर ली गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।